कि हम जा रहे थे सड़क पे, एक आदमी बीच में खड़ा था, भगवान की इच्छा शायद यही होगी, हमने चढ़ा दिया, ऐसे नहीं है। भगवान की इच्छा क्या है वो अब भगवान ने क्लियरली बोला है। एक व्यक्ति ने क्लेम किया कि बाइबल पे लिखा है, अमेरिका में केस हुआ उस पर, 6 लोगों की हत्या कर दी, और उसको बोला गया कि तुमने 6 लोगों की हत्या की क्यों की है, बोले मैंने हत्या नहीं की है, बाइबल में लिखा है कि भगवान की इच्छा से, परमात्मा की इच्छा से एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो भगवान ने मारा मैंने थोड़ी मारा, मैं तो माध्यम। ये तो प्रवचन देने लगा। जज ने सुना सबका दलील और बोला है इस व्यक्ति को फांसी की सजा दी जाती है। बोले क्या तुम मुझे सजा दे रहे हो? मैं नहीं दे रहा हूं, भगवान दे रहे हैं सजा। तो देखिए आप बोलते हो कि सब भगवान करा रहे हैं, तो भगवान सजा भी भगवान ही देंगे फिर। तो भगवान क्या कर्म करना है इसके बारे में शिक्षा भगवद्गीता में दे रहे हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान के लिए कर्म करना चाहिए ना, भगवान जो बता रहे हैं वो करना है। कई बार हम भगवान के लिए कर्म करना बोलते हैं, अपने हिसाब से कर्म करते हैं, बोलते हैं भगवान के लिए कर रहे हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री आपके घर में आए तो उसको आप क्या खिलाएंगे, उसकी पसंद का खिलाएंगे अपनी पसंद का? प्रधानमंत्री बोलेगा कि मुझे गुलाब जामुन चाहिए, बोले इंतजार करो हम करेले का गुलाब जामुन बना रहे हैं आपके लिए। बोले नहीं करेला नहीं खाता, दरवाजा बंद करो कैसे नहीं खाओगे, ये कोई बात है? हम जिसको खुश करना चाहते हैं उसकी इच्छा देखते हैं, हम भगवान को खुश करना चाहते हैं तो भगवान की क्या इच्छा है ये देखना पड़ेगा। लेकिन ज्यादातर हम जिसको खुश करना चाहते हैं उसकी इच्छा के विपरीत अपनी इच्छा को पूरी करना चाहते हैं। भक्तों के बीच में देखा गया प्रसाद वितरण करते हैं, बोलते हैं पनीर मटर पनीर लेके आते हैं, प्रभु जी मटर पनीर, तो बोलते नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी लीजिए बहुत अच्छा बना, जबरदस्ती दे देते हैं, और बेचारा मन नहीं उसका खाते रहता है, वो खुश होगा नहीं। पूरी तरह हर चीज भगवान चलाते हैं, हम में से कोई एक भी कुछ नहीं चला सकता, हम लोग पूरी तरह डिपेंडेंट हैं। हमारे जीवन में हम बोलते ना, हाँ जी हमारा अपनी मर्जी से करते हैं, हमारा सब कुछ है। गैस का सिलेंडर आता है ना, उस पर डिपेंडेंट है, ट्रक वाले पर डिपेंडेंट है, सब्जी वाले पर डिपेंडेंट, कूड़े वाले पर डिपेंडेंट है, हम बहुत सारे चीज़ों पर डिपेंडेंट है। एक बार ऑटो का हड़ताल हो जाए, एक बार ट्रक वाले का हड़ताल हो जाए, अब देखिए क्या होता है आपके जीवन में। बिजली पर डिपेंड है, बिजली खत्म हो जाए ना पानी पीने नहीं मिलेगा, मोटर से खींच खींच के पानी लेते हैं हम, ठंड में मर जाएंगे हम लोग ठंडे पानी से जो गर्म पानी से नहाते हैं। बिजली पर कितना डिपेंड है, और बिजली कहाँ से बनती है, दादी बनाती हमारी, कौन, भगवान करते हैं, या तो कोयले से बनता है या परमाणु से बनता है, और या हवा से या पानी से, ये 4 स्रोत हैं, और चारों स्रोत जो भगवान के हैं, प्रकृति से, प्रकृति किसकी है, भगवान की, मैया दक्षिणा प्रकृति सोईते सचराचरम हेतु दानना पंते या जगत परिवर्तते। तो ये समझना बहुत जरूरी होगा। हमारी फिर बोलेंगे प्रभु जी क्या हमारा कोई इंडिपेंडेंस नहीं है क्या? इंडिपेंडेंस है, भगवान ने बोला कि तुम मेरे अंश हो तो थोड़ा छूट तुम्हें भी है, कितना है, लिमिटेड, हम लिमिटेडली इंडिपेंडेंट है, भगवान अनलिमिटेडली इंडिपेंडेंट है, और हम लोग थोड़े लिमिट में होकर इंडिपेंडेंट है पर डिपेंडेंटली इंडिपेंडेंट है। कैसे, एक उदाहरण से समझते हैं। एक बार एक पागलों को ना, एक पागल खाने से दूसरे पागल खाने शिफ्ट करते रहते हैं, एरोप्लेन में शिफ्ट करते रहते हैं, तो पागल तो पागल ही होते हैं, चुपचाप तो बैठेंगे नहीं, एरोप्लेन में झगड़ा करते रहते हैं आपस में, एरोप्लेन पूरा हिलता रहता है। पायलट बोलता है बहुत यार बहुत परेशान कर रखा है, कहीं प्लेन क्रैश ना हो जाए, तो को पायलट को बोलता है तुम जाओ और पीछे जाकर शांत कराने की कोशिश करो। देखते एक व्यक्ति वो डॉक्टर के स्टेथोस्कोप लेके बैठा हुआ है, उनको बोलते हैं ये आप डॉक्टर हैं, तो यस, शांत क्यों नहीं कराते, अभी करा देंगे चिंता वाली बात नहीं, आप जाओ अंदर। थोड़ी देर में देखते हैं प्लेन शांत हो गया, कोई हल्ला नहीं हो रहा है, तो वो पायलट बोलता है देखो बड़ा शांत हो गया, थैंक यू बोल के, और डॉक्टर को फिर आके डॉक्टर खुद ही बोलता है, दरवाजा खटखटाता है और उनसे बोलता है कि ये शांत हो गया आप ठीक है ना, बोले हाँ शांत हो गया, कैसे शांत कराया तूने, बोले वो जिद कर रहे थे फुटबॉल खेलने के लिए, मैंने दरवाजा खोल दिया है, सब बाहर खेल रहे हैं। बोले तुम कौन हो, बोलते मैं डॉक्टर हूँ, कितने साल डॉक्टर हो, बोलते 2-3 हज़ार साल हो गए डॉक्टर बने, समझ गए डॉक्टर नहीं उनमें पागल लिखा और है। तो उदाहरण इसलिए समझाने के लिए मैं बताया कि एरोप्लेन में आपको कुछ भी करने का एक लिमिटेड एंजॉयमेंट करने के लिए आपको छूट है। इंडिपेंडेंट हो, वॉशरूम जाओगे, सो सकते हो, खा सकते हो, गाना सुन सकते हो, लेकिन बाहर नहीं जा सकते, खेलने के लिए बाहर नहीं जा सकते। ऐसे ही
हम बोल सकते हैं जी अब खाओ सो आराम करो बोलो सब कुछ स्वतंत्रता है, पर आप बोलोगे मनुष्य बनकर उड़ने लगूं, कभी किसी 5 मंजिल बिल्डिंग से चढ़ जाओ और ट्राई करो उड़ने का, तो शरीर नीचे आएगा आत्मा उड़ जाएगी ऊपर, है ना। तो हमारे हर चीज में हम लोग डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है, लिमिटेशन है। प्रकृति हमें उतना देती जितना आवश्यकता है, हम ज्यादा लेना चाहेंगे प्रकृति से, इंद्र तृप्ति करना चाहेंगे तो कष्ट होता है। हम सोचते हैं ना हमने ये किया हमने वो किया, हमने कुछ नहीं किया, भगवान सब करवाते हैं। कैसे? हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। हम क्या कर सकते हैं? इच्छा हमारे अंदर बोलते हैं हम लोग, फिर क्या कर रहे हैं? हम इच्छा कर रहे हैं इसलिए। अब देखो दो बात, एक बात मैंने उससे बताई थी कि हम करते हैं इसलिए हम ही भोगते हैं, भगवान की मर्जी से पता नहीं हलता लेकिन हम लोग रिएक्शन हमें भुगतना पड़ता है। यहां बोल रहे हैं कि भगवान ही अंत है, भगवान ही सब कुछ करते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि दूसरे को काटने वाली बात है। नहीं, हम इच्छा करते हैं, भगवान उसको सैंक्शन करते हैं। जैसे कि एक उदाहरण से समझिए, अगर आप एक टैक्सी बुक करते हैं, टैक्सी वाला आता है बोलते हैं एयरपोर्ट चलो, टैक्सी में बैठते हैं एयरपोर्ट जाते हैं, एयरपोर्ट पर उतरते हैं अपना सामान लेके जाते हैं, तो क्या बोलता है? सर जी पैसे। अब बोले किस बात के पैसे? गाड़ी आपकी चलाए आपने, किस बात के पैसे? तो बोलेगा जी आपकी इच्छा थी, आपने कहा यहाँ आने के लिए, आप इसमें बैठकर इसका फायदा उठाएं इसलिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो भगवान परमात्मा के समान इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाते हैं और हम जीवात्मा के रूप में उसमें बैठे रहते हैं। हम इच्छा करते हैं भगवान हमें ये खाना है, भगवान बोलेंगे तथास्तु, पर याद रखना इसके रिएक्शन में तुम्हें लेना पड़ेगा। भगवान हम सुसाइड करना चाहते हैं, कोई बात नहीं सुसाइड करो, तुम मर सकते हो पर तुम्हें कष्ट तुम्हें होगा, अगला जन्म तुम्हें और खतरनाक मिलेगा। तो भगवान इच्छा भी पूरी करेंगे पर रिएक्शन में देंगे। इसका मतलब गलती कहाँ है? इच्छा करने में। अगर ढंग की इच्छा नहीं होगी तो हमसे गलतियाँ होंगी।